अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू फ्लॉक। फर्स्ट डे है और रात हो गई है और हम जो है ना सारे कज़न हैं इधर आए हैं HFC, तो इधर से कुछ चीज़ ऑर्डर करके खाएंगे और थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। दुल्ला भाई सुनाए, फिर फोटो शूट अच्छा हो गया आज का? फोटो शूट बहुत कमाल का हुआ यार। सही है, मैंने तो भाई अभी ट्रांजिशन वाली वीडियो मैंने सारी एडिट कर ली हुई है, लगाऊंगा इसमें। नहीं, मुझे तो अभी उसने सेंड ही नहीं की माल। चलो आ जाएंगे रात तक, आप आ जाएंगे ईद का यार। आते हैं उनको फिर कहना, वो कर देंगे आपको। उसको भी कहता हूँ इधर ही ना हमें तैयार करके दे, ठीक है, तो फिर मैं लगाता हूँ स्टेटस। सही हो, साथ इधर आ चप्पल में। ठीक है जी, तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं मेन्यू। तीन तो इशारा करा दो, एक तो इशारा करा दो, ठीक है। बर्गर यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया, तो यार यहाँ पे ना ईद का इतना ज्यादा रश है, सारे अभी तरह हम बैठे हुए हैं तो बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर तक ऑर्डर जो किया हुआ है वो आ जाएगा, फिर उसको खाएंगे। जो बर्गर हमने ऑर्डर किया हुआ था वो आ तो गया है, इन्होंने ये भाई ने खा के एंड भी कर दिया हुआ है, तो मैं खाना स्टार्ट करने लगा हूँ। इसको खा के ट्राई करते हैं कैसे का यार। आए आए, क्रिस्पी बर्गर चेक करो जरा। बर्गर तो काफी मजे का है, तो आप इसको निकालते हैं। अच्छा जी, बर्गर खा लिया तो आप जो है ना निकलते हैं घर। जी कल ना बाहर से आकर ना मैं सो गया था, क्योंकि मैं फुल यार थका हुआ था, दो दिन से नींद पूरी नहीं थी हुई है। एक तो रमज़ान वाला दिन था वो, और एक चांद रात को हम बाजार शहर से आए थे, उसके बाद हमें जाना पड़ गया 3 बजे, वहाँ से यार फारिग हुआ, तो फिर 6 बजे उठना पड़ गया नमाज के लिए। तो नमाज पढ़ के फिर सारी डेली की रूटीन वही थी ईद की। तो फिर जो है ना रात को हम गए थे अपने चाचू लोगों के साथ बाहर HFC कुछ खाने, तो वहाँ से भी खाया पिया, फिर घर आ गया, आके मैं सो गया। तो अभी अभी उठा हूँ, ईद का दूसरा दिन है यार, बोरिंग सा दिन है, देखे ना कोई बंदा बशर नहीं है। कल इतना इधर बच्चे खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे, सारा फारिग हो गया सिस्टम, बस ये आज का दिन है बोरिंग सा। तो कपड़े थोड़ी देर तक चेंज करेंगे हम, उसके बाद जो है हो सकता है हम पुप्पू लोगों के घर जाएँ, उधर जाकर कुछ देर बैठे, या फिर मेरे कज़न आ जाएँ इधर, खेलेंगे ज़रूर आज थोड़ा सा। पर जो है ना इतना को सही दिन नहीं लग रहा मुझे, जैसे सुबह अभी 1 बज गया, मैं 1 बजे उठा हूँ, तो 1 बजे भी नहीं है इतना कोई इधर कोई है ना कोई बच्चा इधर से इधर जा रहा है, इधर खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। रात को हो सकता है 6 बजे से बाद जो है ना कुछ बने इधर, कोई रश हो जाए इधर, तो सारा मेरे ख्याल से तो बोरिंग डे ही निकलेगा। अभी जो है ना अंदर चलते हैं, कुछ चीज़ खाते हैं, क्योंकि भूख भी लगी हुई है। 1 बजे तो उठा हूँ, तो सारे दिन की भूख तो अभी लगनी है ना मुझे, तो खाते हैं कुछ चीज़। जी नाश्ता रेडी हो गया, नाश्ते में आज हमारे पास है ट्राइंगल शेप की रोटी है, और साथ में अचार है और दही है, इसको खाते हैं, मुकाते हैं और चलते हैं बाहर। रोटी शोटी खा लिया है, तो अब जो है ना अपना वॉलेट पकड़ते हैं और निकलते हैं बाहर। जी मैं पुप्पू घर आ गया हूँ, तो यार इनके अंदर तो क्रिकेट चल रही है, देखते हैं अंदर क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन ये भाई तो इधर खड़े हैं, अपने बैटिंग में लगे हुए हैं। सुनाओ भाई, सुनाओ कैसे हो भाई, कैसे हो भाई, चलो यार मुझे भी खिलाओ। नहीं चलो ठीक है, हेलो फ्रेंड, क्या हाल है आपका? फुआद आज बॉलिंग कर रहा है और ब्लॉग आज उसका मैं बना रहा हूँ। ओहो क्या शॉट है,
क्या शॉट लगा रहा है मां चलो फास्ट बॉल कराओ भाई ओके है ना कम दी मार दी शॉट 2x 1x चलो जी बाय बाय सब्सक्राइब करें शॉट फुआस से आज कोई शॉट नहीं लग रही सुबह की एक लगी है उस पर भी आउट हो गया बाहर चली गई है वहाँ से ना हम क्रिकेट खेल कर तो घर आ गए थे तो मेरा ना यार आज ना दिल कर रहा है नूडल बना खाऊं काफ़ी दिन हो गया नूडल्स नहीं बनाए मैंने तो अभी चलते हैं अंदर किचन में और किचन में पड़े हुए हैं नूडल मेरे तो मैं बनाता हूँ उनको पर किचन में आ गया हूँ तो मैंने ना अपने इस कैबिन के अंदर रखे हुए हैं नूडल्स यहीं से ये दूसरा पैकेट इनको जो है ना आप बनाते हैं और फिर खाते हैं ये मैंने इसके अंदर पानी डाल लिया तो इसको जो है ना इसके ऊपर रखते हैं और इधर जो है ना बलियां बन रही हैं हो सकता है शायद दही भले बनने हो तो इसको खोलते हैं इसके अंदर डालते हैं बनाते हैं और फिर खाते हैं तो मैंने इसके अंदर तो डाल लिया है तो मेरा ना यार दिल कर रहा है कि मैं इसके अंदर जैसे मैंने उसे सोया सॉस की थी डाली वैसे डालूँ वैसे उस दिन मज़ा आया था मुझे वैसे डाल कर साथ ड्रिंक हो गई नूडल्स गरम गरम आए मज़ा आ जाएगा यार इसको खाने का तो हो सकता है आज हम प्लान बना रहे हैं कि जाएँ बाहर आउटिंग करें ज़रा थोड़ी सी तो चाचू लोगों के साथ जाएँगे होटल में वहाँ से जा कर ज़रा खाना शाना खाएँगे तो अभी इसको खाते हैं ना फिर बाद में सोची जाएगी चलिए मेरे जो है ना नूडल्स वो रेडी हो गए हैं चेक करो ज़रा चॉप स्टिक के साथ आज मैं खाऊंगा ट्राई करते हैं मुझे जांच भी है कि नहीं तो इसको शायद ऐसे ही पकड़ते हैं हाँ चलो जी बहुत स्पाइसी हो गए हैं यार अब मज़ेदार हैं इसको खाते हैं मुकाते हैं अब अच्छा जी नूडल्स तो मैंने खा लिए हैं तो अब जो है ना मुझे ज़रा थोड़ी सी ईटी मिल गई है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ चेक करो ज़रा हाँ ये कल के हैं जो मेरे और एक ये है एक ये है और एक ये है पैसा ही पैसा हो गया इतना पैसा यार करना क्या है इसका है इसको वापस जो है ना अभी रख रहे हैं अंदर क्योंकि बाहर नहीं ना रखते इनको इनको सुकून से ना ये मैं अंदर रख देता हूँ ये थोड़े से हैं तो इसको जो है ना अपने पास रखते हैं जरूरत पड़ जाती है ठीक है ना तो इनको पैक करते हैं और मेरा दिल है कपड़े चेंज करके ना कहीं बाहर निकलें तो देखते हैं क्या करना है यार कपड़े चेंज करने से पहले मैं जा रहा हूँ दूध लेने तो दूध इधर से लेते हैं वहेली से तो फिर जो है ना घर जा के चेंज करते हैं कपड़े और मुझे लग रहा है कि जैसे आज हमारे कज़न भी आ रहे हैं इधर तो उनके साथ भी थोड़ा सा खेलेंगे और आज बाहर भी जाना है यार हमने कल भी बाहर नहीं थे गए आज बाहर जाएंगे ज़रा दोस्तों के साथ तो फिर ज़रा ना इंजॉय करेंगे बाहर चांद का व्यू यार चेक करो कितना प्यारा है जी दूध तो पकड़ लिया तो आज आपने देखा फिर चांद का व्यू कितना प्यारा आ रहा है वो देखो ज़रा ऊपर मैंने आगे भी आपको दिखाया आप भी देखो ज़रा हैं कितना प्यारा चांद का व्यू आ रहा है और इस साइड पे पीछे से ओरिजिनली लाइट आ रही है तो दूध मैंने पकड़ लिया दूध को जा घर रखते हैं और जो है ना कपड़े चेंज करते हैं यार आज सुबह के कपड़े नहीं चेंज किए और ना मेहमान भी घर आने वाले हैं तो आप तो चेंज करने बनते हैं जी मैं ना आपको भी ज़रा डे टू की ना थोड़ी सी ना दिखाता हूँ अपनी ड्रेसिंग तो वो भी आप देखिएगा अच्छा जी मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए हैं तो मेरे ना कज़न भी आ गए हुए हैं वो ज़रा अभी अंदर बैठे हुए हैं थोड़ी देर तक खाना शाना खा लेना फिर उनसे बात करेंगे इंजॉय करेंगे आज ज़रा थोड़ा सा ठीक है ना तो अभी मैं भी अंदर चल के कुछ चीज़ खाता हूँ यार मैंने कोई चीज़ नहीं खाई हुई मुझे आज भूख इतनी ज़्यादा लग रही है सुबह उठा फिर खाई दोपहर में फिर खाई
थोड़ी देर पहले अभी नूडल खाए यार, आज मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही है ना, तो अभी चलते हैं अंदर, मैं भी कुछ चीज़ खा लूँ ज़रा। चलिए ये थी मेरी आज की डेट होकर ड्रेसिंग, तो अब जो है ना उनको बुलाते हैं और ज़रा थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं, खेलते हैं। चलिए हम जो है ना घर के बाहर आ गए हुए हैं, और ये मेरा कज़न है और एक ये कज़न है। सुनाओ बिलाल कैसे हो फिर, तो ईद गुजारने आए हो इधर? चलो सही है। तो आप जो है ना अंदर आवाज़ आ गई है हमें, हम बाहर आए थे तो अंदर से आवाज़ आ गई है कि आए खाना खा लें, तो जो है ना अंदर चलते हैं खाना जा खाते हैं। चलिए मैंने जो है ना अपने लिए सालन डाल लिया और चावल भी डाल लिए हैं, अब ना मैं इसको खाने लगा हूँ, मुझे ना भूख भी लगी हुई थी। खाना शाना खा के ऊपर आ गए हैं, और ये भी मोबाइल में लगा हुआ है और वो भी अपने मोबाइल में गेमें खेल रहे हैं दोनों, तो इनकी गेम देखते हैं भाई। लगाओ गेम अपनी, स्टार्ट करो ज़रा। भैया आपको तो ज़रा सी याद नहीं आया यार, नोबड़े प्लेयर हो भैया आप तो। चलिए व्लॉग को ख़त्म करते हैं, आप मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।